एक्सिस डीमेट अकाउंट अकाउंट खोलेंगे, विश्वास करेंगे, क्योंकि बैंक बेस्ड स्टॉक ब्रोकर है तो विश्वास तो आना चाहिए ना। लेकिन आजकल तो बैंक ही बंद हो रहे हैं, तो बैंक बेस्ड स्टॉक ब्रोकर पे डायरेक्टली कैसे विश्वास आएगा। पहले होता था, पहले मतलब कुछ महीनों पहले होता था, कुछ सालों पहले होता था कि बैंक बेस्ड स्टॉक ब्रोकर है, पैसा ज़्यादा ले लो लेकिन विश्वास तो कर सकते हैं, स्टॉक को लेके पैसे को लेके भागेगा तो नहीं। लेकिन आजकल ऐसा नहीं कह सकते। तो आज बात करेंगे एक्सिस डीमेट अकाउंट के ओवरऑल फीचर्स के बारे में। इसका डीमेट अकाउंट कैसा है, ट्रेडिंग अकाउंट कैसा है, खर्चे क्या हैं, ट्रेडिंग एप्लीकेशंस क्या हैं, उसके अलावा मार्जिन, कस्टमर सर्विस, अलग अलग मायने देखेंगे ताकि आप ये डिसाइड कर सकें कि ये ब्रोकर आपके लिए सही है या नहीं। चाहे वो बैंक बेस्ड है, फुल सर्विस है, डिस्काउंट, ये अलग चीज़ें हैं, अलग मुद्दे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं नंबर्स के साथ। एक्सिस डायरेक्ट भारत का 10वां सबसे बड़ा स्टॉक ब्रोकर है, मतलब टॉप 10 में आता है। इसके पास करीब 271,881 एक्टिव क्लाइंट्स हैं और ओवरऑल लेवल पे करीब 37 कंप्लेंट्स शिकायतें हुई हैं, जो कि इंडस्ट्री के हिसाब से काफ़ी कम है। नंबर्स के हिसाब से ठीक लगता है, लेकिन नंबर्स और भी तरह के होते हैं जो कि आगे चल के आपको बताएंगे, चाहे वो खर्चे के हैं, मोबाइल ऐप की रेटिंग के हैं, या ऐसे कोई एरियाज जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। शुरुआत करते हैं इनके डीमेट अकाउंट की फीचर्स के साथ। अब जैसे ही आप इनके साथ डीमेट अकाउंट खोलेंगे तो आपको 3-in-1 डीमेट अकाउंट मिलेगा, मतलब आपका बैंक अकाउंट, ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट इकट्ठा खुलेगा। इसमें फ़ायदा ये रहता है कि जो आपका ट्रांजेक्शन है पैसे का बिटवीन योर बैंक अकाउंट एंड योर ट्रेडिंग अकाउंट, वो ऑटोमेटिक हो जाता है। उसमें आपको खुद कुछ करने की जरूरत मैनुअली नहीं पड़ती। दैट इज द ओनली एडवांटेज दैट अ 3-in-1 डीमेट अकाउंट हैज। बट उसके अलावा इसमें आपको डीमटेरियलाइजेशन का ईज है, मतलब कि अगर आपके पास फिजिकल शेयर्स हैं फाइलों में तो आसानी से हो सकते हैं। रीमटेरियलाइजेशन मतलब कि अगर आपके पास ऑनलाइन शेयर्स पड़े हैं उसको फाइलों में कन्वर्ट करना है, नहीं करेंगे आप, बट कुछ लोग करते हैं, जरूरत होती है तो वो हो सकता है। प्लेजिंग कर सकते हैं आप अपने शेयर्स की, कॉल एंड ट्रेड कर सकते हैं। उसके अलावा आप अपनी होल्डिंग्स, अपनी स्टेटमेंट्स की, ट्रांजैक्शंस की अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। ईज़ ऑफ ट्रांसफर ऑफ मनी एंड शेयर्स इज़ प्रीटी इजी फ्रॉम वन डीमेट अकाउंट टू अनदर। ये कुछ फीचर्स हैं। लेकिन अगर आपने इसके साथ खाता खोलना है तो दो तरीके हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन। मतलब कि या तो आप इनका जो फॉर्म है अकाउंट ओपनिंग का डाउनलोड करें, उसको खुद से फिल आउट करें, एंड देन आप डॉक्यूमेंट्स के साथ इसको आस पास की कोई ब्रांच, जैसे वो एक्सिस डायरेक्ट की ब्रांच है या एक्सिस बैंक की ब्रांच जो कि एक्सिस डायरेक्ट की सेवाएं प्रदान करती है, उसमें भी सबमिट करवा सकते हैं। इसमें आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जो कि जैसे कि पैन कार्ड बहुत मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, उसके बिना आपका डीमैट अकाउंट नहीं खुलेगा। आपका आधार कार्ड चल सकता है, वोटर आईडी चल सकता है, देन एज अ प्रूफ ऑफ योर एड्रेस, देन एक कैंसिल चेक लगेगा आपका जो कि आपके नाम का बैंक अकाउंट है उसके अगेंस्ट, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स भी लगेंगी। यह है ऑफलाइन तरीका। ऑनलाइन तरीका सिंपल है, आपको इनकी वेबसाइट पे जाके डिटेल्स डालनी है, नीचे लिंक दिया गया है, वो हमारा लिंक है। बेसिकली वील हेल्प यू आउट इन अंडरस्टैंडिंग हाउ यू कैन ओपन योर अकाउंट विद देम, और उसके बाद आपके लिए एक ऑनलाइन प्रोसेस सेटअप कर दी जाएगी। आपको डिटेल्स देनी है, डॉक्यूमेंटेशन करना है, दैट्स योर थिंग। हमारा कोई एफिलिएशन नहीं है एक्सिस डायरेक्ट के साथ, दिस इज़ ओनली फॉर योर हेल्प। अब खर्चों की बात करते हैं। देखिए, अगर आप इनके साथ अकाउंट खोलते हैं तो डीमेट अकाउंट ओपनिंग और डीमेट अकाउंट मेंटेनेंस AMC जो कि साल का खर्चा होता है वो देना होता है। वही चीज़ ट्रेडिंग अकाउंट के साथ एप्लीकेबल होती है और ये सभी स्टॉक ब्रोकर्स के साथ होता है। लेकिन कुछ ब्रोकर्स अकाउंट को कम खर्चों में खोलते हैं, कम AMC मांगते हैं, और कुछ ब्रोकर्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। अब जहाँ तक एक्सिस की बात है, ओपनिंग चार्जेस नहीं है, कोई पैसा नहीं देना, लेकिन इनके साथ मेंटेन करना, अगर आपको मेंटेन करना है अकाउंट आपका, ध्यान से सुनिए, बहुत अजीब, बहुत हैवी नंबर्स हैं, क्योंकि हमने किसी ब्रोकर के लिए इतने हैवी नंबर्स नहीं देखे। 750 रुपये लगेंगे AMC अगर आपका अकाउंट एक्सिस बैंक के साथ है, बैंक एक अकाउंट, तो आपको हर साल 750 रुपये देने हैं दूसरे साल से, पहला साल फ्री है। लेकिन अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपका हर साल का AMC है 2500 रुपये, 2500 रुपये, बहुत एक्सपेंसिव है। इनफैक्ट पता नहीं कितने ब्रोकर्स का रिव्यू किया है हमने, हंड्रेड्स ऑफ देम, लेकिन इससे एक्सपेंसिव AMC नहीं देखा। तो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव AMC इसमें आप देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास BSDA बेसिक सर्विसेज डीमेट अकाउंट है, तो उसमें कुछ अलग अलग लेवल पे स्लैब्स बनाई हैं इस स्टॉक ब्रोकर ने। अगर
ओवरऑल लेवल पे होल्डिंग 50,000 रुपये या उससे कम है तो आपको एएमसी नहीं देना। 50,000 से लेके अगर 2,00,000 के बीच का रेंज है तो आपको हर साल 100 रुपया देना है, और अगर आपकी होल्डिंग 2,00,000 रुपये से ज़्यादा है तो आपको वही चार्जेस लगेंगे जो नॉर्मल अकाउंट के लगते हैं, मतलब 2,500 रुपये अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है और 750 रुपये अगर है तो। तो ये है अकाउंट लेवल चार्जेस। ब्रोकरेज के बारे में आगे चल के बताएंगे, लेकिन कुछ और खर्चे भी होते हैं जो जनरली पता नहीं रहते और बाद में यूजर्स को लगता है कि हिडन चार्जेस हैं, तो आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपका अगर आपको डीमोटराइजेशन करवाना है डीमैट अकाउंट के साथ कुछ शेयर्स के लिए, तो हर सर्टिफिकेट के लिए 5 रुपये लगेंगे और हर रिक्वेस्ट के लिए 50 रुपये अलग से देने होंगे। रीमोटराइजेशन करवाना है तो 20 रुपया लगेगा आपको 100 शेयर्स का, और उसके अलावा 50 रुपये आपको हर रिक्वेस्ट के लगेंगे। उसके अलावा अगर आप इसमें से ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट में ट्रेडिंग और अदर बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शंस करते हैं तो हर डेबिट के आपको 25 रुपये देने होंगे एक ट्रांजैक्शन के। तो ये चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। प्लेजिंग की सर्विस लेते हैं आप तो वहाँ पे दो तरह के चार्जेस हैं, 0.04% आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू का या 50 रुपये, जो भी ज़्यादा वैल्यू है इन दोनों में से वो खर्चा आपको उस सर्विस का देना पड़ेगा। तो ये कुछ खर्चे हैं जो आपको पता होने चाहिए। अब बात करते हैं ब्रोकरेज की, जो कि आपकी हर ट्रेड पे लगने वाली है। आपने एक ट्रेड मारा या 100 ट्रेड मारा, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ ट्रेड्स और द टर्नओवर, दैट कितने पैसे की ट्रेड मारी उसके हिसाब से ब्रोकरेज कैलकुलेट की जाती है। इसमें इनके पास 3 प्लान है। पहला प्लान है एक्सिस डायरेक्ट का ₹20 प्लान। अब 20 रुपये का प्लान का मतलब क्या है, अब ये ज़रूरत जैसा प्लान नहीं है या किसी और डिस्काउंट ब्रोकर जैसा प्लान नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे 20 रुपये या आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू का 2.5%, इनमें से जो वैल्यू कम होगा वो देना है। तो मैक्सिमम कैप आपका 20 रुपये पे रुक जाता है, उससे ज़्यादा आपको ब्रोकरेज इस प्लान में नहीं देना। लेकिन आपको पता होना चाहिए इसमें कि बाकी के जो सेगमेंट्स हैं, ये अपन ने इक्विटी की बात की, अगर आप कमोडिटी में ट्रेड करते हैं तो वहाँ पे आपको फ्यूचर्स में 0.03% लगेगा दोनों साइड, बाय साइड पे भी 0.03%, सेल साइड पे भी 0.03%। ऑप्शंस में जाके ये ब्रोकरेज हो जाती है 50 रुपये एवरी ट्रेड। तो यहाँ पे भी आपको प्यार पता होना चाहिए। करेंसी अगर आप सेगमेंट में जाते हैं तो फ्यूचर्स में वही ट्रेड पैसा लगेगा ब्रोकरेज का 0.03% फॉर बाय एंड सेल। यहाँ पे जो ऑप्शंस ट्रेडिंग है वो 20 रुपया प्रति लॉट लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इस प्लान को अगर आपने सब्सक्राइब करना है तो उसमें आपको एक कंडीशन का ध्यान रखना है कि आपका जो एक्सिस बैंक अकाउंट है उसमें आपके पास पर क्वार्टर, हर क्वार्टर पे चेक किया जाएगा, 75,000 रुपीज़ का मिनिमम बैलेंस होना चाहिए। सिर्फ बैलेंस मेंटेन करके रखना है, आपको कोई पैसा लगाना नहीं है ये, लेकिन ये एक कंडीशन है इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ ब्रोकरेज प्लान में आने के लिए। अगर आप नहीं करते मेंटेन, अगर आप कहते हैं कि मुझे एक्सिस बैंक में अकाउंट ही नहीं खोलना या मुझे ये मेंटेन नहीं करना, तो आप 250 रुपया एवरी मंथ देंगे तो आप इस पर्टिकुलर प्लान का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो जो डिस्काउंट ब्रोकर से काफ़ी अलग है, डिस्काउंट ब्रोकर्स एज इट इज़ आपको उतनी ब्रोकरेज लगाते हैं, कोई इसमें प्री कंडीशन नहीं होता, लेकिन इनके केस में वो प्री कंडीशन रखी गई है। तो ये है पहला प्लान। दूसरा प्लान है फिक्स्ड ब्रोकरेज प्लान। अब इसमें जैसे कि नाम है कि फिक्स्ड ब्रोकरेज लगेगी, लेकिन फिक्स्ड परसेंटेज है, पैसा नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर आप इक्विटी इंट्राडे में अगर पैसा लगाते हैं या फ्यूचर्स में पैसा लगाते हैं तो 0.05% ऑफ योर ट्रेड टर्नओवर लगेगा। मतलब अगर आपने 1,00,000 की ट्रेड की तो 1,00,000 को 0.05% पे मल्टीप्लाई करेंगे, जो वो वैल्यू आएगी वही आपकी ब्रोकरेज होगी जो आपको देनी है। सिमिलरली, अगर आप इक्विटी डिलीवरी में लगाते हैं तो 0.5% हो जाता है। एट द सेम टाइम करेंसी या इक्विटी ऑप्शंस पे लगाते हैं तो पर लॉट 10 रुपये लगता है, जो कि काफ़ी सस्ता है, क्योंकि बाकी के अभी जैसे हमने देखा 50 रुपया और 20 रुपया आपको लग रहा था करेंसी और कमोडिटी में, और फ्यूचर्स में आप पैसा लगाते हैं तो 0.05% लगेगा करेंसी फ्यूचर्स में, 0.03% लगेगा कमोडिटी फ्यूचर्स में। ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। देन तीसरा प्लान है मल्टी टीयर वेरिएबल प्लान। ये थोड़ा सा महंगा प्लान है। इसमें क्या है, कोई कंडीशन नहीं है, इसमें सीधा है, कंडीशन पैसे की नहीं है लेकिन और कंडीशंस हैं, स्लैब बना रखी हैं इन्होंने, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं क्योंकि बहुत सारे ब्रोकरेज प्लान होंगे, उसमें बहुत सारी कंडीशंस होंगी, तो क्लाइंट जो ट्रेडर है वो कन्फ्यूज होगा। तो आपको ध्यान से सुनना है,
डिलीवरी में अगर आप पैसा लगाते हैं 3 लाख से नीचे का टर्नओवर है अगर आपका, तो डिलीवरी में आपको 0.6% आपको ब्रोकरेज लगेगी। 3 लाख से 10 लाख लगाते हैं तो 0.55%, 10 लाख से 25 लाख तो 0.45%, 25 लाख से 75 लाख का टर्नओवर है अगर आपका मंथली तो 0.35, और 75 लाख से 2 करोड़ का टर्नओवर पे आपको 0.25% लगेगा। ऑनेस्टली कंपेयर करेंगे अगर आप किसी फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर के साथ भी, तो बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत महंगा है ये अलग अलग स्लैब्स पे। हाँ, अगर आपका टर्नओवर अच्छा है, अगर आप हैवी ट्रेडर हैं तो ठीक है आपके लिए, लेकिन अगर आप बिगिनर या इंटरमीडिएट ट्रेडर भी हैं देन डेफिनेटली ये महंगा आंका जा सकता है। ऑप्शंस में अगर आप 1.5 करोड़ की टर्नओवर के नीचे रखते हैं अपने आप को, तो 95 रुपीज़ आपका पर लॉट लगेगा। 1.5 करोड़ से 4.5 करोड़ पे 85 रुपये, 4.5 करोड़ से लेके 9 करोड़ तक 75 रुपीज़, 9 करोड़ से 18 करोड़ पे आपको लगेगा 70 रुपये, और 18 करोड़ से ज़्यादा पे 65 रुपये पर लॉट। वेरी एक्सपेंसिव। एनीवे, इंट्राडे और फ्यूचर्स में भी स्लैब्स हैं, 5 करोड़ से नीचे रखेंगे अगर आप अपनी ट्रेड टर्नओवर को तो 0.05% लगेगा। ऐसे करते करते अगर आप 20 करोड़ से ज़्यादा जाते हैं तो 0.03% आपका ब्रोकरेज लगेगा। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान देना है कि ब्रोकरेज लेवल पे ये ब्रोकर काफ़ी एक्सपेंसिव है। देन यू हैव ट्रांजैक्शन चार्जेस, ये भी अलग अलग सेगमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि इक्विटी में 0.0019% है, सीबी का चार्ज लगेगा 15 रुपये पर करोड़ की ट्रांजैक्शन टर्नओवर पे। देन स्टैम्प ड्यूटी लगती है, वो 0.003% है मेरे ख्याल से इक्विटी में। जीएसटी लगेगा आपका, इसमें आपकी ब्रोकरेज क्या हुई और आपका ट्रांजैक्शन चार्ज क्या हुआ, फिर से ब्रोकरेज और ट्रांजैक्शन चार्ज आपकी ट्रेड का उन दोनों का सम जब करेंगे उसका 18% आपका जीएसटी बनता है। फिर डीपी चार्जेस होते हैं जो ब्रोकर स्टॉक ब्रोकर खुद लेता है, और वो हर स्क्रिप्ट पे होते हैं। अगर आपके एक ऑर्डर में 4 स्क्रिप्ट हैं तो पर स्क्रिप्ट के हिसाब से पैसे लगेंगे। एक्सिस डायरेक्ट के केस में वो वैल्यू है 22 रुपये, 22 रुपीज़ पर स्क्रिप्ट। तो 4 अगर अलग अलग स्क्रिप्ट हैं तो 88 रुपीज़ आपको अलग से देने होंगे ब्रोकरेज टैक्सेस और स्टैम्प ड्यूटी वगैरह के खर्चे के अलावा। तो ये थे कुछ खर्चे, काफ़ी सारे खर्चे इनफैक्ट, जो कि आपको पता होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट नोट पे ध्यान दीजिएगा अगर आप अकाउंट खोलते हैं किसी भी स्टॉक ब्रोकर के साथ। इनके साथ खोलते हैं तो ये चार्जेस हैं, बाकी अकाउंट खोलते हैं तो वो भी हमने रिव्यूज़ बना रखे हैं। तो दीज वर द चार्जेस। अब हम बात करते हैं इनके ट्रेडिंग एप्लीकेशन के बारे में। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं इनके मोबाइल ऐप की, जिसका नाम है एक्सिस डायरेक्ट मोबाइल। अभी एप्लीकेशन का रेटिंग है 3.8, जो कि इंडस्ट्री एवरेज से नीचे है, क्योंकि इंडस्ट्री एवरेज 4.0, और इस रेटिंग को किया है ऑलमोस्ट 20,000 यूजर्स ने, 19,973 यूजर्स ने ये रेटिंग दी है। एट द सेम टाइम अगर हम बात करें कंसर्न्स की, तो एप्लीकेशन के यूज़र इंटरफेस UI मतलब डिज़ाइन को अराउंड एवरेज आंका गया है। इनके जो डेटा पॉइंट्स हैं उसमें इनकंसिस्टेंसी देखी गई है। आई सजेस्ट कि आप इनका गेस्ट लॉगिन, गेस्ट डेमो ज़रूर देखें। अगर आप अकाउंट खोलते हैं तो अपने एग्जीक्यूटिव से पहले बात करें कि आपको एक बार डेमो ज़रूर दे, और अपने इंटरनेट कनेक्शन पे उसको चला के देखें, ताकि आपको पता लगे कि कल को जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो किस तरह से ये एप्लीकेशन परफॉर्म करेगी। इसको एनालाइज़ कीजिए और कंपेयर कीजिए बाकी के मोबाइल एप्लीकेशन के साथ कि फीचर्स किस तरह से दिए गए हैं इसमें। इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आप किस तरह के ट्रेडर हैं, शुरुआत कर रहे हैं, एक्सपर्ट लेवल ट्रेडर हैं। अगर आपको थोड़ा पता है मार्केट का, ऐप्स का, तो आपको पता रहेगा कि किस तरह से कंपैरिजन करना चाहिए एनालिसिस फीचर्स के लेवल पे, डेटा पॉइंट्स के लेवल पे, स्कैनर्स के लेवल पे, हीट मैप्स होते हैं, चार्ट्स होते हैं, टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं, उसके अलावा कंपनी और स्क्रिप्ट लेवल पे कितना डेटा दिया गया है, वॉच लिस्ट कैसी है। तो कुछ कुछ एरियाज़ हैं, इसके बारे में अलग से डेमो भी करेंगे। एक पहले का डेमो पड़ा है, आप हमारे चैनल पर चेक कर सकते हैं, लेकिन एक नया डेमो इस एप्लीकेशन का आपके लिए लेके आएंगे। तो एज ऑफ नाउ एप्लीकेशन अराउंड एवरेज आंकी जा सकती है। बाकी के इनके जो ट्रेडिंग एप्लीकेशंस हैं उसमें इनके पास वेब एप्लीकेशन है, जिसको ये स्विफ्ट ट्रेड कहते हैं, वो एज़ कम्पेयर टू मोबाइल ऐप इनफैक्ट थोड़ी सी और बेसिक चली जाती है। देन दी वेब एप्लीकेशन के अलावा इनके पास टर्मिनल सॉफ्टवेयर है, जो कि अच्छा है, एग्जॉस्टिव है। तो अगर आप एक एक्सपर्ट लेवल ट्रेडर हैं और एक्सिस के साथ अगर अकाउंट खोलना है आपकी ट्रेडिंग के लिए, देन सजेशन यही है कि आप टर्मिनल एप्लीकेशन का इस्तेमाल करें, क्योंकि वो ज़्यादा एग्जॉस्टिव है एज़ कम्पेयर टू इसके जो बाकी के फीचर ट्रेडिंग एप्लीकेशंस हैं। सो कस्टमर सपोर्ट की बात करें तो आपको ईमेल, फ़ोन, टोल फ्री नंबर मिलता है,
ऑफलाइन ब्रांचेज हैं और एनआरआई ट्रेडर्स के लिए अलग से कस्टमर सपोर्ट भी है। इन टर्म्स ऑफ टर्न अराउंड टाइम और क्वालिटी ऑफ रेजोल्यूशन ये ब्रोकर ठीक है, इनफैक्ट बेटर देन एवरेज आंका जा सकता है। तो अगर आप डिस्काउंट ब्रोकर से तंग हैं या आपको मुश्किल आती है क्योंकि उनकी कस्टमर सपोर्ट इतनी अच्छी नहीं होती, तो आप इस केस में ऐसे ब्रोकर्स पर विश्वास कर सकते हैं क्योंकि इनकी कस्टमर सपोर्ट डेफिनेटली बेहतर होगी एज़ कम्पेयर टू एनी डिस्काउंट ब्रोकर। और कोई भी डिस्काउंट ब्रोकर, मोस्ट ऑफ डिस्काउंट ब्रोकर्स अच्छा काम नहीं करते, दैट इज़ अ गिवन थिंग। मार्जिन की जहाँ तक बात है वो भी कर लेते हैं। अब देखिए, मार्जिन एक ऐसा एरिया है जो कि कुछ ट्रेडर्स को चाहिए होता है और कुछ को नहीं चाहिए, लेकिन यू शुड नो कि इनके केस में आपको क्या वैल्यूज़ मिलने वाली हैं। तो एक्सिस डायरेक्ट आपको ज़्यादा मार्जिन नहीं देगा ऑनेस्टली। इक्विटी इंट्राडे में बात करें तो 10 गुना मार्जिन मिलेगा, डिलीवरी में आपको शायद नहीं मिलेगा, डिलीवरी में नहीं मिलेगा। बाकी के सेगमेंट्स में आप 2 से 3 गुना, मैक्सिमम 2 से 3 गुना मार्जिन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत नेगोशिएट कर सकते हैं डिपेंडिंग कि आपका ओवरऑल प्रॉफिट पैटर्न क्या रहा है। बट एट द सेम टाइम एक्सपेक्ट मत कीजिए ओवरऑल लेवल पे ज़्यादा होगा, क्योंकि कुछ ब्रोकर्स हैं जो 40 गुना इंट्राडे में देते हैं, 48 गुना देते हैं। बट इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आपकी रिस्क एपेटाइट क्या है। फाइनली बात करते हैं इनके फ़ायदों की नुकसानों की। पहले फ़ायदों की, अच्छी बातों की बात करते हैं। तो फ़ायदों में आपको 3-in-1 अकाउंट मिलता है, तो आपकी जो बैंक अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट की जो मशक्क़त है वो आपको प्रॉब्लम सॉल्व होती है। ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स की रेंज अच्छी खासी है, आप इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी, डेरिवेटिव्स, IPO, म्यूचुअल फंड्स, ETFs, गोल्ड, सब में पैसा लगा सकते हैं इनके डीमेट अकाउंट के थ्रू। कॉर्पोरेट बेनिफिट्स जैसे कि डिविडेंड्स और राइट्स आपके सीधा डीमेट अकाउंट में क्रेडिट होते हैं। देन ब्रोकरेज प्लान की फ्लेक्सिबिलिटी है, 20 रुपया ब्रोकरेज प्लान है इनके पास। तो अगर आपको फुल सर्विस ब्रोकर का डिस्काउंट ब्रोकर पे ब्रोकरेज देना है तो एक ऑप्शन ये है, लेकिन सब्सक्रिप्शन चार्जेस का वहाँ पे एक दिक्कत रहेगी। आपको रिसर्च रिपोर्ट्स मिलेंगी, टिप्स मिलेगी, और ये चीज़ डिस्काउंट ब्रोकर्स नहीं देते, तो उस चीज़ में भी फ़ायदा है। अगर आपको खुद का एनालिसिस अपने तरीके से करना है तो शायद ये एडवांटेज आपके लिए सही नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को चाहिए तो वो यूज़ कर सकते हैं। अब ये हुई फ़ायदों की बात, अब नुकसानों की बात करते हैं। तो ब्रोकरेज प्लान की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी बात है, लेकिन जो दूसरे ब्रोकरेज प्लान्स हैं आप 20 रुपये वाले को छोड़ के, बहुत एक्सपेंसिव हैं, बहुत महंगे हैं। और आज की तारीख में इतना कुछ आ गया है मार्केट में, वैल्यू फॉर मनी है या नहीं तो डिपेंड करता है ट्रेडर के ओवरऑल एक्सपीरियंस के ऊपर। देन अकाउंट ओपनिंग चार्जेस का, AMC का 2500 रुपये मैं भूलूंगा नहीं, बहुत एक्सपेंसिव है, वो ध्यान देना होगा आपको। देन एट द सेम टाइम मार्जिन ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको, वो दिक्कत है। मोबाइल एप्लीकेशन में सुधार ला सकता है ये ब्रोकर, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फीडबैक इफ़ somebody इज़ लिसनिंग फ्रॉम एक्सिस डायरेक्ट, कि आपको अपनी मोबाइल ऐप का जो वैल्यू है, का जो ओवरऑल प्रोविजन है वो इम्प्रूव करना होगा। यूज़र एक्सपीरियंस की बात करें, नंबर ऑफ़ फीचर्स की बात करें, एग्जॉस्टिवनेस की बात करें, कंपैरेटिव एनालिसिस कीजिए, देखिए कि बाकी ब्रोकर किस तरह से काम कर रहे हैं, उस लेवल से आपकी एप्लीकेशन थोड़ी सी एवरेज है, बिलो एवरेज भी कह सकते हैं। तो दोस्तों ये थे अलग अलग लेवल पे डिटेल्ड डेटा पॉइंट्स, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दिया हमने आपको कि किस तरीके से ये ब्रोकर बैठा है इस समय मार्केट में, अच्छी पोजीशन पे है, लेकिन ऑनेस्टली आज 10वें नंबर पे है, लेकिन ये कभी 5वें नंबर पे, 4थे नंबर पे भी हुआ करता था। देन यू हैव टू फिगर आउट कि आपको क्या चाहिए, आपको एक विश्वसनीय नाम चाहिए मार्केट में, जो कि मोर ऑफ अ टेंडम चीज़ रह गई है कि शायद आपको नहीं मिल पाएगा बिकॉज ऑफ ऑल दी बैंक्स गेटिंग क्लोज। बट एट द सेम टाइम अगर आपको ये देखना है कि वैल्यू फॉर मनी चाहिए या नहीं, तो इट रियली डिपेंड्स कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है। पहले आप अपनी एक्सपेक्टेशंस क्लियर कीजिए, 3-4 पॉइंट्स रखिए कि मेरे को ये चाहिए, इस पे मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, और उसके बेस पे इसको चुनना है, इसको चुनिए। बाकी के डीमेट अकाउंट रिव्यूज़ भी किए हैं हमने, उनको देखिए और भी लाएंगे आपके लिए, देन यू कैन फिगर आउट कि विच ब्रोकर इज़ गुड फॉर यू। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, होपफुली ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही हो। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और अ डिजिटल ब्लॉगर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।